अब जैसे आपको अच्छी मूवी की बात करनी होती है तो मॉर्बियस जैसी मूवी आपने देखी है, मार्वल ने पहले ही दे दी है, जो विलन टाइप और नाइट विजन हीरोज हैं हमारे पास। उसी तरह हमारे मार्वल ने एक और मूवी इंट्रोड्यूस करके दी है जिसका नाम है वेयरवॉल्फ बाय नाइट, जो रात्रि में लड़ते हैं। जैसे कि आपने बहुत सारे सुपर हीरो देखे होंगे, जैसा मून नाइट भी अपना रात्रि के हैं और दिन में लड़ने के लिए अपनी एवेंजर्स की टीम काफ़ी है। उसी तरह जैसे डार्क टोन में मूवी बनी है उसके हिसाब से काफ़ी लाजवाब मूवी है, जिसके बारे में हम आज एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। वेयरवुल्फ बना कैसे है भाई? इसमें आप अभी तक तो आपने छः मणि के बारे में सुना था कि हाँ मार्वल के पास छः मणि है, जिसमें भाई आपने काफ़ी अंतरिक्ष वाला बकचोदी टाइप का सब सीक्वेंस देखा है, जिसके बाद हमें अब डार्कनेस में एक और स्टोन के बारे में पता चल रहा है जिसका नाम है ब्लड स्टोन। और ये मूवी उसी पर आधारित है जिसमें हमको पता चलेगा ब्लड स्टोन की पावर और लिमिटेशन के बारे में, जो एक आदमी को कैसे एक हैवान में बदल सकती है या एक अच्छे सुपर हीरो में बदल सकती है या सुपर विलन जो भी हो वैसा बात करेंगे। तो चलिए पहले जान लेते हैं इसकी शॉर्ट समरी। तो इस मूवी की शॉर्ट स्टोरी बस हमें इतना समझाती है कि ब्लड स्टोन एक ऐसा बोलेंगे ब्लड स्टोन में इतनी ताकत है कि वो किसी भी एक ह्यूमन को किसी भी या क्रिएचर को कंट्रोल कर सकती है या उसे किसी भी एक हैवान में बदल सकती है, इसके बारे में इस मूवी में है। और इस मूवी में स्टार्टिंग में भी दिखाया जाता है कि ब्लड स्टोन का मालिक मर चुका है, तो उसके बाद उस ब्लड स्टोन का मालिकाना हक देने के लिए भी हमें एक अनाउंसमेंट करना है, जिसमें कई सारे हंटर आते हैं और वो हंटर भाई उनके ऊपर डिसाइड होता है कि उन लोगों ने कितने किल किए हैं, आज तक कितने मर्डर किए हैं। तो जिसमें सबने जैक भैया होते हैं उनके 100+ किल होते हैं और वो आते हैं उस फ्यूनरल में जहाँ पे भाई उस मालिक की डेथ हो चुकी है और उसकी लड़की भी आती है क्योंकि उसे चाहिए होता है ब्लड स्टोन। और इसमें भाई परीक्षा के दौरान ही उस किसी एक को उस ब्लड स्टोन का मालिकाना हक दिया जाता है कि तुम्हें बंचोद मालिक बनाया जा रहा है। पर यहाँ कोई बात नहीं होती, उसकी भी लिए एक परीक्षा की जाती है जिसमें हंटिंग का रूल होता है, जिसमें टेड डाम के क्रिएचर पे वो ब्लड स्टोन को सेट कर दिया जाता है और बोला जाता है कि जाओ तुम, जो ला सकता है इसे वही होगा इसका मालिक। पर यहाँ तो माल कुछ और ही पकाया जा रहा है। उसके बाद भाई ये एक्सप्लेनेशन आपको आखिरी में देखने को मिलेगा, उसके लिए आप वीडियो में बने रहिएगा। तब तक बात कर लेते हैं कि आगे क्या हुआ। और आगे वही होता है कि भाई अपने जैक भैया गलती कर देते हैं और उन्हें सज़ा मिलती है और उन्हें फाइनली एक क्रिएचर में बदल दिया जाता है। तो यही थी बस इसकी शॉर्ट समरी, चलते हैं हम बड़ी वीडियो में बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो चलिए बात करते हैं, उसके पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो इस वीडियो का स्टार्टिंग होता है जैसा मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है डार्क टोन, जहाँ पे एवेंजर्स की टीम भाई मिनी के ऊपर विवादों में लड़ती है, दिन तक अपना काम करती है, लेकिन यहाँ रात नाइट वर्जन में भाई कुछ सुपर हीरो चाहिए होते हैं। उसी की तरह ये मूवी है जैसा डार्क टोन में दिखाया जाता है कि ब्लड स्टोन के मालिक की डेथ हो गई है और उसका फ्यूनरल लगा हुआ है, जहाँ फ्यूनरल में जाना है। तो कई सारे हंटर आते हैं जिसमें भाई कई लोग आते हैं, तो उसकी ब्लड स्टोन का मालिक होता है, उसकी बीवी उन सबको इनवाइट करती है, उसमें उसकी लड़की भी आती है जो वहाँ नहीं आनी चाहिए, उसके आने से उसे काफ़ी दिक्कत होती है। तब जैक भैया की एंट्री होती है और वहाँ भाई कई सारे क्रिएचर्स का मुंडी उंडी लगा के बढ़िया कुछ फ्यूनरल में टाइप दिखाते हैं, जहाँ पे वो जिसका फ्यूनरल होता है वो वहाँ से उठ के बोलता है भाई, मरने के बाद भी ये बंदा बोल रहा है कि चलो हाँ जो इस मड़ी के लायक होगा वही इसका असली मालिक बनेगा। पर यहाँ तो सबके किल देखे जाते हैं कि भाई किसने कितने मर्डर किए, तो सारे तो अपने अपना बताते हैं कि मैंने 30, 40, 50 या एवरेज 70 किल किए, लेकिन अपने जैक भैया शांत बैठे रहते हैं क्योंकि उन्होंने तो 100 और 100 कर ही दिए हैं, 100 के ऊपर हैं, वो देख के भाई काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद वो फ्यूनरल जिसका रहता है, जो ब्लड स्टोन का पहले मालिक रह चुका होता है, उसकी कब्र से भी वो आवाज़ देता है कि मैम जो हाँ जो ऐसा करेगा वही बनेगा इसका असली मालिक, पर सच्चाई तो कुछ और ही होती है। उसके बाद भाई इन लोगों का एक प्लानिंग लगता है कि नहीं चलो अब हंटिंग के जरिए हम असली मालिक को चूज़ करेंगे कि असली मालिक है कौन। उसके बाद ब्लड स्टोन को एक क्रिएचर पे सेट करके उसे हंटिंग एरिया में भेज दिया जाता है, जहाँ भाई काफ़ी कुछ फाइट सीक्वेंस होता है, कई की जान जाती हैं, आपस में लड़ भिड़ जाते हैं क्योंकि ब्लड स्टोन की पावर चाहिए ना, उसकी पावर बहुत ही लाजवाब है। उसके लिए वो सब आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और यहाँ जो लड़की ये अपनी मेन हीरोइन मासुका बोलेंगे वो किसी एक आध दो को मार भी देती है, लेकिन अपने जैक भैया किसी को मारना नहीं चाह रहे होते क्योंकि टेड उसका फ्रेंड होता है और टेड के ऊपर ही वो ब्लड स्टोन लगा होता है, तो इनका प्लान रहता है उसे बचाने का। तो यहाँ इन दोनों की मुलाकात आपस में हो ही जाती है अपने जैक भैया और हीरोइन की। तो उसके बाद वो सब समझा देते हैं कि देखो मैं मारना वारना नहीं, मुझे ब्लड स्टोन नहीं चाहिए, तुम मेरे दोस्त को आज़ाद कर दो, इसके लिए मैं तुम्हें ब्लड स्टोन दे दूँगा। तो ये दोनों तो आपस में मिलके कैसे भी आज़ाद कर देते हैं उसको, काफ़ी कुछ बकचोदी होती है उसके लिए, आप काफ़ी कुछ सिनेरियो करना पड़ता है, उसके लिए आपको मूवी देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे उन लोगों ने आज़ाद किया, कैसे एक्सप्लोजन लगाया और बाकी कुछ किया। एक्शन के लिए आपको तो मूवी देखना ही पड़ेगा, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। और उसके आगे जो सिनेरियो होता है जिसमें सब पकड़े जाते हैं, फाइनली टेड तो भाग चुका होता है लेकिन जैक और उसकी मासुका पकड़ जाती हैं, मासुका ही बोलेंगे, उसके बाद उन्हें भाई अब कोई भी हंटर हैं तो उनका रूल होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, उसके हिसाब से उन लोगों को पिंजरे में बंद कर दिया जाता है और सज़ा सुनाई जाती है, जो वहाँ का रूल है, बड़ा सिनेरियो टाइप का रूल,
उसमें अपने जैक भैया पहले ही बोल देते हैं कि मुझ पर कोई ऐसी जाति मत करना जिसकी वजह से मैं तुम लोगों की जान लेने पे उतार हुआ जाऊँ, और उसके बाद तो मैं अगर किसी क्रिएचर में बदल गया तो तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि उसे पता होता है ब्लड स्टोन की पावर से किसी भी इंसान को क्रिएचर में बदला जा सकता है। तो जैक भैया अपनी मास्का को पूरा ऐसे सूंघ लेते हैं कि हाँ हम तुमको पहचान लें, क्योंकि बनना तो हमें भेड़िया ही है। उसके बाद उन पे भाई ब्लड स्टोन की पावर अप्लाई की जाती है और एक भेड़िए में बदल जाते हैं। फिर जब बदलने के बाद अपने जैक भैया ऐसा बवाल मचाते हैं, किसी को जिंदा नहीं छोड़ते हैं, अनचत कुछ भी आ जाए। यहाँ में ये फाइट सीक्वेंस देख के भाई बहुत मज़ा आया। उसके बाद अपने टेड भैया भी आते हैं लौट के कि अरे अपना जैक भैया तो वहाँ छूट ही गया था, और टेड भी आते हैं और फाइनली उस ब्लड स्टोन की मालिकानी औरत को मार के वो ब्लड स्टोन अपनी मास्का ले लेती है, और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। और लास्ट के सीक्वेंस में जो दिखाया गया है कि हाँ टेड और जैक भाई काफ़ी खुश हैं, आपस में एक जंगल में बैठ के कॉफ़ी वॉफ़ी पी रहे हैं, अपना मज़ा मार रहे हैं। जैसा आपने देखा, ये आप देखेंगे, नहीं देखा है तो आप देख लीजिए जाके मूवी, वो बहुत मज़ा आएगा। और इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और वीडियो को भाई काफ़ी लोगों में शेयर करिए। और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा उसके लिए आप कमेंट करके बताइए, और थोड़ा बहुत उसकी कमियां भी लाएंगे। जैसे आप ब्लड स्टोन में देखा है कि हाँ अगर इसको पहले इंट्रोड्यूस करते तो भाई हम काफ़ी क्रिएचर में बदल के थानोस वानोस की ले लेते, लेकिन नहीं, जो भी है वो सब ठीक है।